आज दोस्तों आपको ऐसी चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखाता हूँ जिसमें आपको ना ही मैरिनेशन करनी है ना ही चावलों को अलग से उबालना है, कुछ मेहनत नहीं करनी दोस्तों, सब कुछ एक साथ डालकर बस कुकर में पकाना है और बिरयानी बनके पूरी तैयार। परफेक्ट बिरयानी बनेगी दोस्तों जिसमें चावल एकदम अलग अलग होंगे, चावलों में खुशबू भी होगी और चिकन एकदम सॉफ्ट बनकर आएगा। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 600 ग्राम चिकन लिया है और मेजरली चिकन लेग का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में जितने भी ड्रमस्टिक्स होंगे आप उनमें कट जरूर लगा देना ताकि उनके अंदर तक फ्लेवर आए। और उसके साथ साथ अब आपने यहाँ पर मैरिनेशन करनी है। और मुझे पता है बोलोगे कि भरत भाई आपने बोलता मैरिनेशन तो करनी नहीं होगी, अभी आप देखते जाओ दोस्तों क्या करना है आपने। फिलहाल सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच तक नमक और बिरयानी मसाला। ये स्टेप जरूर करना कि चिकन के एक एक कोने कोने तक आप मसाले के साथ मलना चिकन को। ये बहुत छोटा सा स्टेप है दोस्तों लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। और गलती से भी यहाँ पर ज्यादा दही का इस्तेमाल मत करना। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून यानी कि 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ज्यादा दही का इस्तेमाल कर दोगे तो आपकी जो बिरयानी है उसके बेस में मॉइस्चर रह जाएगा और उसको पकने में टाइम लगेगा, तो इवनली कुक नहीं हो पाएगी। तो दही का ध्यान रखना और अच्छे से चिकन को कोट कर लेना दही के साथ। अब ये देखो कितने अच्छे से कोटिंग हो रही है। तो आप क्या करना है, आप चिकन को साइड में रख देना। हम बेसिकली मैरिनेशन में नहीं रख रहे लेकिन ये सबसे पहला स्टेप करने से हमें बेनिफिट बहुत होगा, क्योंकि दूसरा स्टेप जो हमें करना है वो ये है कि अभी आपको प्याज को ब्राउन करना है। ब्राउन अनियंस के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 ही प्याज लिए हैं और उनको ऐसे स्लाइसेस में कर दिया है। आप स्लाइसेस तो कर देते हो बट ये स्टेप करना बहुत जरूरी है कि प्याज को ऐसे क्रश कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर कुकर में कम तेल में पकाएंगे तो प्याज को ऐसा क्रश करने से आपको स्टर करने में आसानी होगी। नहीं तो इतने कम तेल में जब प्याज की कुकिंग होती है ना, या जब ब्राउन अनियन बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उनके जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप शुरुआत में हाई फ्लेम पर ही कुकिंग करना प्याज की और बार बार इनको स्टर जरूर करते रहना। पहले पहले प्याज ज्यादा है, तेल कम है, लेकिन थोड़े ही टाइम में प्याज जो है वो ढल जाएंगे और अपने आप ही तेल उसको कवर कर देगा और बिल्कुल ब्राउन होने तक आपने प्याज पकाने हैं। दोस्तों जैसे ही प्याज पे कलर आने लग जाता है ना, वैसे ही आप गैस को लो कर देना, अच्छे से स्टर करते रहना बार बार कुकर को, और फिर जब इवनली कुक हो जाए प्याज तो फटाफट से निकाल देना। तेल निकालने मत रहना, फटाफट से प्याज को निकाल देना, नहीं तो आपके प्याज जल जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप तीसरा स्टेप जरूर कर देना। तीसरा स्टेप ये है कि आप 2 कप चावल, मैंने यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल किया है, उनको मैंने अच्छे से 2-3 बारी धोया है। हाँ, लेकिन भिगाया नहीं है। अगर आप भिगा दोगे तो प्रेशर कुकर में चावल पकाते वक्त आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। बिल्कुल इसी स्टेज पर दोस्तों आपको चावलों को धोना है और पानी निकाल के रखना है। दूसरी चीज, आप देखो आप कुकर में जो तेल है उसमें प्याज का बहुत अमेजिंग फ्लेवर है और ये बहुत इन्हांस करता है बिरयानी के टेस्ट को। और लास्ट चीज जो आपने डालनी है वो है दोस्तों ये सारे खड़े मसाले। आपने सीधा ही गरम गरम तेल में इसको ट्रांसफर कर देना है और जैसे ही मसाले चटकने लग जाए, पॉप होने शुरू हो, फिर आप यहाँ पर चिकन डाल देना। गलती से भी कोई भी मैरिनेशन मत भूलना, सारी अच्छे से निकाल के डाल देना। और अब आपने चिकन को थोड़ा सा भुनना है, ज्यादा नहीं भुनना, मुश्किल से आपने 3 मिनट तक भुनना है। गैस को आप मीडियम हाई फ्लेम पर ही रखना। अब आप भी सोच रहे हो कि मैं इतना स्टेप वाइज क्यों ये रेसिपी बता रहा हूँ। दोस्तों मैं स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस रेसिपी में प्रिसीजन थोड़ा सा जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सिर्फ 600 ग्राम या आधा किलो चिकन का ही इस्तेमाल किया है 3 लीटर के कुकर में। मेरा कुकर 3 लीटर का है और इसमें इतना ही फिट होगा दोस्तों। अगर आपके पास बड़ा कुकर है जैसे 5 लीटर का, तो उसमें आराम से 1 किलो चिकन फिट हो जाएगा और आपकी रेसिपी ज्यादा बन पाएगी। तो ध्यान देना दोस्तों इस बात का, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। वापस चलते हैं रेसिपी पे। आपको सिर्फ इस स्टेज तक चिकन को पकाना है जब उसमें एक वाइटिश सा कलर आने लग जाए और सरफेस पक जाए चिकन की। ये देखो आप, बिल्कुल इस स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। बढ़िया कलर आया ना। ये जो हम भुनाई कर रहे हैं ना दोस्तों, बस इस स्टेप की वजह से चिकन के अंदर फ्लेवर चले जाएगा और आपको मैरिनेशन में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चिकन को। अब आप क्या करना कि आप यहाँ पर पुदीने के पत्ते डालना फ्रेश, धनिया के पत्ते डालना, अगर पुदीने का पत्ता नहीं है तो आप पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाली है और एक लेयर बनाई है ब्राउन अनियंस की। फिर आप यहाँ पर चावल की लेयर डाल देना। ये दोस्तों कच्चे चावल हैं, भिगाए नहीं है, वही वाले चावल है जो मैंने आपको पहले बताए थे। और इन चावलों की लेयर के ऊपर आप बिरयानी मसाला डालना, थोड़ा सा नमक डालना जो आप चावलों के डालोगे। मैंने यहाँ पर केसर को दूध में भिगा के रखा था
और वो डाला है इस टाइम पर। फिर ब्राउन अनियन, धनिया पुदीना से कवर कर दिया है। अब एंड में बाकी बचे हुए चावल डालना, धनिया पुदीना, ब्राउन अनियन, अच्छे से सजा देना इसको। बिल्कुल लेयरिंग भी हो जाएगी और चावलों में पूरा टेस्ट आएगा दोस्तों। एंड में बस थोड़ा सा देसी घी डालना ताकि खुशबू भी अच्छी आए। इन टोटल जो आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है, आपने उतना ही पानी डालना है जितने चावल हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया है, उसी कप से मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाल दिया है। सबसे एंड में आप यहाँ पर केवड़ा वाटर जरूर डालना, तभी तो बिरयानी की खुशबू आएगी। और बस हाई फ्लेम पर आपको यहाँ पर 2 सीटी लगानी है दोस्तों। दो सीटी लगाने के बाद आप प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। तो दोस्तों देखा ना आपने कितनी सिंपल रेसिपी है। किचन में खड़ा भी नहीं होना है, मेहनत भी नहीं करनी है और कुकर में बहुत आराम से आपकी बिरयानी बन जाएगी। और जब कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आपको एक बहुत जरूरी स्टेप करना है, लेकिन वो स्टेप बताने से पहले आप ये देखो बिरयानी बनी कैसी है। अमेजिंग लग रही है ना बिरयानी दोस्तों। चावल कितने लंबे, कितनी अच्छी लेंथ ली है चावलों ने और उनमें बहुत अच्छी खुशबू है दोस्तों। सीरियसली बहुत मजा आने वाला है, ये स्टेप जरूर कर लेना। जब भी आप प्रेशर कुकर में चावलों को पकाते हो तो आप क्या करना कि आप एक बड़ी सी परात लेना और उसमें इस बिरयानी को ट्रांसफर कर देना। क्योंकि क्या होता है, जो गरम गरम चावल में होते हैं ना कुकर के अंदर, वो बहुत स्टार्ची होते हैं। अभी वो चिपके चिपके होंगे, उनको थोड़ी सी हवा चाहिए होती है सेट होने के लिए, और इस सेटिंग को कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन। जब चावल रेट्रोग्रेडेट होंगे तो अपने आप ही वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और दाना एकदम खिला खिला आएगा। ये देखो दोस्तों है ना, चावल एकदम खिले खिले और चिकन तो एकदम सॉफ्ट है दोस्तों, और अंदर तक टेस्ट आएगा इसके। तो अब वीकेंड पे आपको बिरयानी बनाने की कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधा ही कुकर चाहिए, चिकन चाहिए और एकदम परफेक्ट बिरयानी बनकर आएगी, बहुत ही फ्लेवरफुल। मजा आ गया दोस्तों खा के।